कुछ हो गया 1921 फिर ये नंबर ये किस लिए लिखा, चलाने के लिए तो नहीं, बाइक के दे रहे आगे जाने नहीं अलाउड तो है नहीं। ये देखो गाइस ये स्कूल था यहाँ पे, देखो पूरा जो है बह गया है। चेक दिस आउट भाई, कितनी तबाही हुई थी देखो। मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। माय नेम इज़ बिमू एंड यू आर वाचिंग बिमू व्लॉग्स। सो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज एक नई राइड करने वाले हैं हम लोग प्रेशर ले के लिए। तो ये राइड स्नो राइड रहने वाली है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में आई थिंक बोला भी होगा कि स्नो राइड करने वाला हूँ, तो आज हम लोग स्नो राइड करने वाले हैं। तो आज की राइड डुओ राइड होने वाली है। आज मेरे साथ में है सुनील। तो सुनील आप लोगों को बहुत लंबे टाइम के बाद व्लॉग में देखेगा। तो ये रहा सुनील, तो इसने अभी हेलमेट पहना है, चलो बाद में दिखाएंगे आपको। तो अभी हम लोग पहुंच गए विक्टोरिया मंडी, विक्टोरिया पुल पे मंडी में। तो अभी यहाँ से प्राशर जाएंगे, अप्रॉक्स 80 किलोमीटर का सफ़र है एक साइड का। आज के व्लॉग में आप लोगों को बर्फ देखने को मिलेगी, तो आप लोग बने रहो एंड अभी यहाँ का व्यू देखो एंड फिर चलते हैं यहाँ से। चेक दिस आउट, आज बढ़िया धूप खिली हुई है। ये रहा अपना बीच, चेक दिस आउट। तो आप लोग बने रहो ब्लॉग में एंड चलते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो ब्लॉग में। अब मिलते हैं आपसे बाइक पे। तो जयकारा लगाते हैं प्राशर ऋषि का, बोलो प्राशर ऋषि की जय। तो आज हम लोग करने वाले हैं 2024 की स्नो राइड, तो आप लोग बने रहो एंड एंजॉय करो राइड को। गाइज अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं दिन के। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग सुबह सुबह ही निकलेंगे, बट कुछ रीज़न की वजह से लेट हो गए। सो गाइज वहाँ देखो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ और ऊंचे ऊंचे। तो आज मैं भी आप लोगों को बर्फ़ दिखाऊंगा। लास्ट टाइम हम लोग गए थे, मैं और उत्तम भाई गए थे, तो वो भी हम लोग न्यू ईयर के आसपास गए थे 2023 में। इस बार भाई तो घर पे है नहीं, तो इस बार मैं और सुनील जा रहे हैं। जिस रूट पे हम लोग अभी जा रहे हैं, तो ये मंडी में एक रेसिंग ट्रैक भी है बाइकर्स के लिए, तो यहाँ पे राइड करने का काफ़ी मज़ा आता है एंड बाइक भी काफ़ी अच्छा साउंड देती है। वो चेक दिस आउट गाइस, बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखो गाइस, पूरे पहाड़ जो है व्हाइट हुए बड़े हैं बर्फ से। पाइस रोड पे राइड करने का क्या मजा आता है। अभी हम लोगों ने मंडी से जो भी चढ़ाई होती है ना कटिंडी तक, वो कंप्लीट कर ली है। तो अभी हम डाउन को उतर रहे हैं और जैसे डाउन ख़त्म होगा हमारा आईआईटी कमांड के पास, और उसके बाद फिर से चढ़ाई। और देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने राइड की थी ना, तो उसमें बर्फ़ की वजह से रोड ब्लॉक था। तो इस बार भी हम यही विश कर रहे हैं कि बर्फ़ तो गिरी हो बट रोड ब्लॉक ना हो। अगर रोड ब्लॉक हुई तो हमें पैदल जाना पड़ेगा और हम लोग मंदिर तक लेट पहुँचेंगे। तो बस विश तो यही है कि बाइक ऊपर तक पहुंच जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। और बर्फ़ के पहाड़ देखो आप लोग, मंडी से आपको चढ़ाई मिलती है कटिंडी तक, उसके आगे वो तो डाउन है भाई, एकदम न्यूट्रल भी चली जाएगी बाइक, बट न्यूट्रल चलना नहीं चाहिए। चेक दिस आउट गाइस, ये जो बिल्डिंग्स आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया जो है आईआईटी कमांड का है। गाइस अभी हम लोग पहुँच गए कमांड में, एंड जब भी आप लोग प्रेशर की ट्रिप बनाते हो गाड़ी या बाइक पर,
तो ये आप लोगों को लास्ट पेट्रोल पंप मिलता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेक श्योर कर लो कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। तो चलो राइड को कंटिन्यू रखते हैं, आप लोग बने रहो ब्लॉग में, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। राष्ट्र जाने के लिए आपको रोड एकदम ओके मिलेगा, बट लास्ट टाइम यहाँ पे फ्लड आया था तो आगे बागी नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पे एक पुल जैसा है वो क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ पे पता नहीं रोड कैसा है। बाकी आपको रोड से ही मिलेगा, बाकी देखते हैं बरसात के बाद कैसा नज़ारा है। एक बार गाइज मैं स्पीडी पे आया था, तब मैं मोटो व्लॉगिंग नहीं करता था, तो यहाँ पे एक शॉप है पंचर की शॉप। प्राश्चर जाते जाते मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो गया था यार, तो फिर वापसी में हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था उसको। वो प्राश्चर जाते जाते आपको मार्केट में मिलेगी, सामान लेना हो तो सामान भी ले सकते हो आप। आई थिंक ये कटौला मार्केट है। कहीं कहीं गाइस जो रोड है ना एकदम रेसिंग वाला रोड है, तो वहाँ पे मज़ा आ रहा है राइड करने का। इस बार गाइस रोड उतना सही नहीं है यार, पता नहीं ये बरसात की वजह से हुआ होगा। जो टायरिंग है ना वो एकदम प्लेन नहीं है, ऊपर खापड़ वाली है। भाई राइड करने का क्या ही मज़ा आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताओ राइड कैसी लग रही है आपको। तो ये रोड कुल्लू से आता है, देखो कुल्लू से भी आप सीधा प्राश्र के लिए आ सकते हो। प्राश्र यहाँ से बचता है 23 किलोमीटर। तो बने रहो गाइज आप लोग व्लॉग में, एंड मिलते हैं आपसे आगे जैसे। गाइज बाकी तो आपको रोड से ही मिलेगा, बट जैसे आप बाकी रोड पर आते हो जहाँ पीछे से डाइवर्जन था, तो वहाँ से आगे इस रोड पे स्लाइड काफ़ी हुआ है। ये स्लाइड हुआ था यहाँ पे, तो ये मे बी जो लास्ट टाइम बरसात हुई थी ना, पिछली बरसात हुई थी तो उसकी वजह से स्लाइड हुआ था। और ये नदी देखो भाई कितना विशाल रूप ले लेती है जब इसमें पानी बढ़ता है। बाकी आगे बाकी में पता नहीं क्या हाल है पुल का, दिखाते हैं आपको, बने रहो आप लोग। देखो भाई नीचे देखो पूरे पूरे लेंटर, आई थिंक नीचे घर था कि क्या था। ये देखो गाइस ये स्कूल था यहाँ पे, देखो पूरा जो है बह गया है। वहाँ देखो कितना बड़ा पेड़ है, देखो ये पानी में बह के आया है। आगे दिखाते हैं आपको, आगे छोटे छोटे ढाबे या होटल थे, बट वो भी आई थिंक पता नहीं रहे आगे या नहीं।
यहाँ देखो भाई कितना स्लाइड हुआ था। जब बरसात हुई थी ना तो मैं बरसात के बाद पहली बार ही आ रहा हूँ। वैसे मैं ऐसे बर्फ देखने ही प्रयास रहता हूँ, ऐसे भी आ जाता हूँ घूमने, बट जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे ना स्नो राइड करने तो उसके बाद आज ही आ रहा हूँ, और बरसात के बाद भी पहली बार ही आ रहा हूँ, तो पता नहीं क्या माहौल है। ये देखो गाइस ये यहाँ पे ढाबे थे, यहाँ पे हम लोग एक बार मैं और सुनील भी आए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था। देखो खाना खाया था कि चाय पी थी भाई, ये तो पूरी तबाही हो गई गाइस। यहाँ पे नया पुल बन रहा था, बन गया था। हाँ यहाँ पे नया पुल बन गया था, देखो पानी से पूरा बह गया। चेक दिस आउट भाई कितनी तबाही हुई थी। देखो मैंने तो वीडियोस देखी थी ना, बहुत ज़्यादा फ्लड आया था यहाँ से। चेक दिस आउट, भेजने का नहीं, मैं हम घूमने जा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, हम घूमने जा रहे हैं, लोकल है, मंडी से ही है, शिव अवतार से है मैम। हाँ जी हाँ जी, बाइक के दे रहे हैं आगे जाने। अच्छा ये किस लिए लिखा, चलाने के लिए तो नहीं? अरे मैम मैं समझ कर रहा हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। ਨੇ ਨਰਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨੇ।